फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं 28 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है, हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी नो अबाउट द कंटेस्टेड लैंड्स इन द इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। दिस इज रिटन बाय द मारूफ राजा। जैसा कि हम जानते हैं कि कंटेस्टेड लैंड हाल ही में एक बुक रिलीज हुई है जिसका हम बोल सकते हैं टाइटल इंडिया चाइना और बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ये रिटन की गई है, ये लिखी गई है, इसके लेखक हैं मारूफ रजा। सो गाइस, नाउ वी स्टार्टेड द 28 नवंबर 2021 करंट अफेयर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिजू थिरुमाला का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं वह एक गीतकार और लिरिस्ट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान। अब बात पाकिस्तान की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, मूडीज ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जैसा कि हम जानते हैं मूडीज एक एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ बताता है, ये हाल ही में 2022 का इन्होंने 9.3% के लगभग बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मध्य प्रदेश राज्य ने कितने करोड़ रुपए की 300 ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की? जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश स्टेट हैज स्टार्टेड 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स वर्थ इन द 5250 करोड़। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्टिव ट्रस्ट SFB ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की किस बैंक के साथ समझौता किया है? जैसा कि हम जानते हैं HDFC बैंक टाइड अप लॉन्च टू द ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफ द इक्विटस SFB टाइड अप। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस राज्य ने थुल्मा कंबल को GI टैग दिया है? जैसा कि हम जानते हैं थुम्बा कंबल और थुम्बा ब्लैंकेट उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब बात उत्तराखंड की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून, और उत्तराखंड में हमें याद रखना है कि फूलों की घाटी भी एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर पूर्वी भारत में पहला 5G परीक्षण किया है? जैसा कि हम जानते हैं नोकिया कंपनी के साथ एयरटेल ने हाल ही में 5G कनेक्शन के लिए स्टार्टअप किया है, टाइड अप किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी घाटियों पर WMO की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जैसा कि हम जानते हैं न्यू दिल्ली में हाल ही में WMO की बैठक हुई है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर को लेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, 20 से 26 नवंबर को कहाँ सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति आयोजित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं जैसलमेर राजस्थान में हाल ही में स्टार्ट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, टेस्ट मैच में पदार्पण करने वाले 16वें भारतीय कौन बने? जैसा कि हम जानते हैं श्रेयस अय्यर बिकेम द 16th इंडियन टू मेक हिज द टेस्ट डिब्यूट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें श्रेयस अय्यर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य संरक्षण की भारत रैंकिंग ने पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात दर कितना रखा है? जैसा कि हम जानते हैं पुरुष वर्सेस महिलाओं का दर 1000:1020 रहा है। हम याद रख सकते हैं 1000 द रेशियो ऑफ द 1020। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए नागरिक उड़ान मंत्रालय के साथ समझौता किया है? जैसा कि हम जानते हैं मेक माई ट्रिप हैज टाइड अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन टू इंक्रीज द रीजनल एयर कनेक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सन्नत तांती का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं वह एक प्रसिद्ध पोएट और कवि थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश ने हाल ही में अनाउंस किया है द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस बैंक ने UPI लेन देन के लिए अमेजोन के साथ समझौता किया? जैसा कि हम जानते हैं येस बैंक ने हाल ही में अमेजोन के साथ समझौता किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 13वें SM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? जैसा कि हम जानते हैं M. वेंकैया नायडू ने किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 19वीं शताब्दी के इकलौती जीवित महिला कौन थी जिनका 124 साल वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जैसा कि हम जानते हैं फ्रांसिस्को सुसानो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किसने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं जितेंद्र सिंह
launched the world's first multimodal brain imaging data and analytics. Now, question number 19. राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं, 27 नवंबर और 27 नवंबर द नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. किस देश ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? जैसा कि हम जानते हैं, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में जीता है. अब बात आंध्र प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज द हैदराबाद एंड द एंशियंट कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश इज द अमरावती. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. किसे टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, डीसी सिंघानिया को हाल ही में सम्मानित किया गया है. नाउ दिस इज द जैसलमेर में सेना प्रमुख ने देखा कि सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं, दक्षिण शक्ति का अवलोकन किया गया है जिसमें थल सेना और वायुसेना भाग ले रही है. अभ्यास जैसलमेर के रेगिस्तान में शुरू किया गया. इसमें T-72 और T-90 के साथ साथ सेना के विजन टैंक और दी इंडियन एयरफोर्स के ध्रुव और रुदा हेलीकॉप्टर, जिसे हम जगुआर भी कहते हैं, यह लड़ाकू विमान ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे 28 नवंबर 2000 करेंट अफेयर्स. आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है. सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. स्टे ट्यून्ड विद आरवी ट्यूटर्स. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.